10 नवंबर को एनिवर्सरी होता है और 10 नवंबर के दिन ही ब्रांच का ओपनिंग हुआ था। और इससे पहले जो ये ब्रांच था, ये पहले ऑफिस आगे बढ़ता था, लेकिन वहाँ पर शायद स्पेस का प्रॉब्लम था। मतलब एक पहले नीचे फ्लोर था, फिर उसके ऊपर फ्लोर था, फिर ऊपर फ्लोर था, तो उसमें सारे बच्चों को ऊपर नीचे क्लास करने में दिक्कत आती थी। तो ये वाला पूरा सिंगल एक ही जगह पर है, तो सब लोग एक साथ आराम से क्लास कर लेते हैं और हम सारे बच्चों को क्लास आराम से करा भी सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि 10 नवंबर को ये हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओपनिंग करी थी। और कहते नहीं कि इंसान का लाइफ में जब आदमी आगे बढ़ता है या काम करता है या आगे अपने किसी नई चीज़ को लिए सिलेक्ट करता है या कोई नया ऑप्शन दिखता है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आदमी अपने एजुकेशन लेवल को हासिल करता है। भाई अगर आगे बढ़ना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले आदमी का एक ही चीज़ दिखता है, वो होता है शिक्षा। कहते नहीं जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप ये नहीं कहते कि काम करो, लाख लो, लाख रुपए पकड़ लो, जाओ पैसे कमाओ जाके। लेकिन उससे सबसे पहले क्या कहते हैं, आप स्कूल जाओ, स्कूल में जाकर के पढ़ाई करो, वहाँ पर शिक्षा हासिल करो। क्यों आदमी हासिल करता है? इसलिए हासिल करता है क्योंकि शिक्षा हासिल करते ही उसको आगे के विकास के रास्ते खुलते हैं। क्या खुलते हैं? आगे विकास के रास्ते खुलते हैं, और उस विकास के रास्तों को फिर आदमी अपना चुनाव करता है। आदमी कोई मेडिकल लाइन में जाता है, कोई हेल्थ लाइन में जाता है, कोई खाने पीने के लाइन में जाता है, होटल में जाता है, फ्लाइट में जाता है, डिफेंस में जाता है, बहुत ऐसे सारी सर्विसेज होती हैं। सारे सर्विसेज को आदमी क्या काम करता है, आदमी उस सर्विसेज को सिलेक्ट करता है, उस सर्विस को पकड़ता है। जब वो सर्विस उसको मिल जाती है तो आदमी अपनी लाइन में सिलेक्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि आदमी जब हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके बाद उसकी लाइन खुल जाती है, लाइन खुलने के बाद वो अपना चुनाव कर लेता है। लेकिन सर मैं भी ऐसी तरीके से जैसे आप लोग इस लाइन से भाग दौड़ से लाइफ से आगे आए हो, उसी तरीके से मैं भी हूँ। और ऐसा नहीं कि जो दुनिया जान में अगर आया है तो सब इसी तरीके से है, कोई ऐसा नया नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से कोई चीज़ हो। और लाइफ में आगे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सफल होने के लिए सबको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत करे कहीं ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाला है। मैंने सर इस लाइन में कई बार देखा हुआ है, नोट किया हुआ है कि बहुत ऐसी समय है कि जब आदमी अपना एजुकेशन हासिल कर लेता है, हाई स्कूल इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया या कुछ भी काम कर लिया, लेकिन कुछ काम करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है? ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं किया या कुछ काम नहीं किया या कुछ भी नहीं, सिर्फ बस ये रहता है कि उसके हाथ में एक स्किल नहीं हो पाता। क्योंकि ज़िंदगी में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को कामयाब बनाती हैं, एक तो उसका होता है एजुकेशन, और उसी एजुकेशन के साथ में जब उसके साथ में जुड़ती है स्किल। क्या जुड़ती है? स्किल। स्किल का मतलब होता है हुनर। आपके अंदर कोई भी चीज ऐसा है जो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप पढ़े लिखे होने के बाद भी फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि हर एक आदमी उस फेलियर के अवार्ड को हासिल करता है। कहते फेलियर का भी एक अवार्ड है, लेकिन वो कोई लेने नहीं जाता। क्यों नहीं लेने जाता? कहते हैं मार्कशीट मिलेगी, जब फेल की मार्कशीट होती तो आदमी लेने नहीं जाता, हाथ पीछे कर लेता है, कहते मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि फेल का मतलब होता है ये हमारी कमियों को ही उजागर किया गया है। हम जो चीज़ नहीं कर पाए हैं उस चीज़ का हमको प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने हाई स्कूल इंटर किया तो अगर हम हाई स्कूल में पास हुए तो हमको पास का मार्कशीट मिला, जब हम फेल हुए तो हमको फेल का भी मिला। लेकिन हम फेल का इसलिए नहीं लेने जाते हैं क्योंकि हमारी कमियों को उजागर किया जाता है कि भाई तुमने सही से पढ़ाई नहीं करी, इसलिए तुमको वो चीज़ मिल रही है। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस आदमी के हाथ में हुनर होता है, आज तक सर जी उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया है? क्योंकि टैलेंट क्या कोई नहीं है, टैलेंट का जिंदगी में कोई जोड़ नहीं है। बस ये हो सकता है कि कम है ज्यादा है। इस लाइन में मेरा आने का कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का मेरा ये तथ्य है कि जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली है या बहुत पढ़ाई कर लिया है, बहुत पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होते हैं कि लाइफ में हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं या किसी कारणवश फेल हो रहे हैं या कोई चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है, तो उसको ये बात जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर शिक्षा का तो अभाव नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक स्किल का अभाव है। कहते नहीं जिंदगी में पढ़ा हुआ आदमी फेल हो सकता है, लेकिन जिंदगी में कढ़ा हुआ आदमी कभी नहीं फेल हो सकता। क्यों नहीं फेल हो सकता? क्योंकि हुनर है तो आपकी पहचान है। क्योंकि हम लोग जितने भी सारे लोग होते हैं, जब मार्केट में जाते हैं तो जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ एक ही आदमी तैयार
दिमाग में ये सुना होता है कि भाई हम अपने कैरियर को सिलेक्ट करें, और कैरियर किस बात का होता है? कैरियर इस बात का होता है कि हम भाई कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ धन अर्जित करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा खर्चा चलेगा, हमारी फैमिली का खर्चा चलेगा, हमारा भी नाम होगा, हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में जो चार लोग जुड़े हैं उनका भी नाम होगा। तो वो कब हासिल होता है? जब आदमी काम करना स्टार्ट होता है, जब उसका कैरियर सेट हो जाता है, जब वो दो पैसे कमाना स्टार्ट कर देता है, तब उसकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन जब वो चीज़ नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आदमी जैसे पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई करने के बाद अगर उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब किसी कारणवश अगर उसको नहीं मिल पाती तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर को सिलेक्ट करता है। मैं आपको बताऊं, अगर इतनी जनसंख्या, इतनी आबादी है, तो इतनी आबादी में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो रेशियो होता है वो 5 से लेकर के 8% होता है, 10%, उससे ज्यादा नहीं। अगर कहते हैं नहीं कि 100 लोग हैं तो 100 में से 1 आदमी सरकारी है, 99 आदमी नहीं है। तो जब 99 आदमी नहीं है तो 99 लोग क्या करेंगे? वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे या प्राइवेट काम करेंगे। और प्राइवेट में काम करने का मतलब होता है समाज के बीच में रह करके काम करना। जब समाज के बीच में रह के काम करने का मतलब एक ही बात होती है कि आपको कॉमन सी बात आती है कि आप जब कोई काम करके दोगे तो उसी बलदे आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं पैसा तो कमाना बहुत चाहते हैं, लेकिन सजी पैसा कमाने का एक फॉर्मूला नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि अपने हाथ में कोई ऐसी स्किल नहीं डेवलपमेंट करते, ऐसे हुनर नहीं डेवलपमेंट करते कि जिसकी वजह से उसकी मार्केट में लोगों के बीच में पहचान हो, और मार्केट में लोगों में पहचान होने के बाद वो काम करके दे, और काम करने के बाद उस एवरेज में उसको पैसा मिले। तो हम जितने भी सारे जो मेरे पास स्टूडेंट, जो आप लोग जो सीखने के लिए आए हैं, जो आप लोग जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो इसमें से सब लोग ऐसे हैं जो अपने अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हैं। किसी ने कोई काम किया है, किसी ने कोई काम किया है, किसी ने कोई काम किया है, लेकिन इस लाइन में आने का सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारा टेक्निकल सेक्टर में आता है। दूसरी बात क्या है कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने में एक सबसे बड़ा फायदा हमको एक ये रहता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर विभाग से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई विभाग नहीं, चाहे आप हेल्थ में चले जाओ, या खाने पीने में चले जाओ, या मार्केट में चले जाओ, या एजुकेशन में चले जाओ, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जहां पर मोबाइल फोन नहीं। अगर मोबाइल फोन है तो उसकी ज़रूरत भी है। अब मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस है, ये हाथ के डिवाइस है। मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी आदमी मोबाइल फोन जब खरीदता है तो खरीदने के बाद ये नहीं कहता कि सजी ये मोबाइल फोन मैं बंद कब करूंगा। क्या दुकान में खरीदते समय आप पूछते हो कि इस फोन को कितने घंटे के लिए बंद करना है? कभी कोई सवाल नहीं कहता। अगर ये सवाल दुकान वाला भी तुमसे कहता कि इस मोबाइल फोन को 3 घंटे के लिए बंद कर देना, या तुम उससे भी कहते हो 3 घंटे के लिए मैं क्या इस फोन को बंद कर सकता हूं, तो वो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं कि भाई फोन लिया बंद करने के लिए लिया क्या? लेकिन क्या अपने घर का टीवी बंद करते हो, फ्रिज बंद कर देते हो, सब चीजें बंद कर देते हो, यहां तक कि घर में लाइट पंखा बिजली सब चीज बंद करते हो, लेकिन इसको नहीं बंद करते। तो इसका न बंद करने का मेरा ये समझाने का ये मतलब है कि ये जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है जो आदमी का 24 आवर्स यूज होता है, और जब किसी चीज का 24 आवर्स यूज होगा तो उसका लाइफ वैसे ही कम हो जाता है। मैं कहता हूं अगर आप हैं, आप अगर 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं, 8 10 घंटे काम करते हैं, तो आप अपने शरीर को रिलैक्स भी देते हैं। नहीं तो मैं कहता हूँ 24 घंटे काम करते रहिए, जहां तुम 50 60 साल तक चलने वाले होंगे, 20 25 30 में बीमार होकर के खत्म हो जाओगे। क्यों खत्म हो जाओगे? क्योंकि आप अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारा मोबाइल फोन एक ऐसा गैजेट, ऐसा डिवाइस है जो इतना यूज होता है, यूज होने के कारण इसका लाइफ हमेशा कम होता है। कोई भी मोबाइल फोन का लाइफ आज के टाइम पे देखा जाए तो 5 साल से प्लस नहीं है। अगर वो अधिकतम यूजेस का समय अगर देखा जाए तो वो साल 2 साल में ही चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है। मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस है जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार बिकता है, लेकिन वो रिपेयर 10 बार होता है, क्योंकि उसको जब तक नहीं आदमी फेंकता जब तक वो पूरी तरीके से खराब ना हो जाए या उसको बेकार डेड घोषित ना कर दिया जाए, तब तक वो मोबाइल फोन रिपेयर होता रहता है। तो हम लोग भी जब सब लाइन से हम लोग जब आए हैं, इस लाइन से जुड़े हैं, तो इस लाइन में जो सीख रहे हैं, जो लोग आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इस लाइन में जुड़ करके आप अपने सफल करियर को तो आगे बना ही सकते हो। दूसरी बात क्या है, आप अपने हाथ में एक हुनर ले रहे हो, जिस हुनर की वजह से आप मार्केट में काम करोगे, समाज में काम करोगे, और जब आप काम करके दोगे तो काम करने के बदले आपको क्या मिलेगा?
पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, मेरा ये कहने का ये मतलब है, मेरा कहने का ये औचित्य है कि आदमी जब शिक्षा हासिल करता है, या बहुत ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ में अपने हाथ में कोई स्किल नहीं डेवलपमेंट करते हैं, तो वो सबसे पहली बात होती है कि वो आदमी एक समय पर जाकर के फेल हो जाता है। आप लोग जैसे इस लाइफ में हो, मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज 35 साल, 40 साल, 50 साल के हो गए, 50 होने के बाद वो उसी लाइफ में काम पे करते रहे, काम करते रहे, लेकिन उन्होंने अपना नया नहीं सोचा। और दूसरी बात क्या है, इस लाइन से जुड़ने का एक और फायदा, आपको इस लाइन में जॉब है, काम है, ये तो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज क्या होता है, इस लाइन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, वो होती है बिजनेस की। आप इस लाइन में बिजनेस कर रहे हो, आप सीखने बाद अपना सेल्फ स्टोर खोलोगे, आपका अपना खुद का काम होगा, खुद का मुकाम होगा, जो भी सारा काम करेंगे वो आप सेल्फ के लिए होगा। लेकिन सर जब इस लाइन में आप काम करते रहेंगे, काम करते करते, कहते नहीं है कि एक सर थे, उन्होंने कहा था कि अगर अपनी लाइफ में अगर आप काम कर रहे हैं और आप अगर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक की नौकरी करते करते, कहते आदमी का भाई एक्सपीरियंस बढ़ता है, आदमी को 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20-25 साल बाद भी अगर वो जब नौकरी करता रहता तो उसको मान लिया 50,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलने लगे। लेकिन जब उसका बच्चा है, जब वो फिर नौकरी करना स्टार्ट करता है, तो उसको वही 10-12 हजार रुपए से स्टार्ट करना पड़ता है। क्यों स्टार्ट करना पड़ता है? क्योंकि फिर जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन सर जी, अगर कोई एक सफल बिजनेसमैन है, अगर उसका अपना अच्छा काम है, वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो काम करने के बाद फिर क्या होता है कि वो उसी काम से स्टार्ट करता है जहां से उसके पिताजी ने काम को छोड़ा है, या जहां से उसको लोगों ने काम को सौंपा है। अगर मैं कहता हूं कि हम लोग नौकरी के लिए भागते हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि हमको जाना चाहिए, पैसा कमाने के लिए जाना चाहिए, या अपने आप को कैरियर के लिए आगे जाना चाहिए, लेकिन सर जी हम लोग कभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी इसलिए नहीं भागते क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कभी फीलिंग डाला गया नहीं। 10 लोग होते हैं तो 10 लोग में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये फीलिंग होती है कि सिर्फ हमको क्या करना है, नौकरी करना है, हाई स्कूल इंटर पास कर लिए, अब हमको जॉब ढूंढनी। लेकिन सर जी जब वो 3 साल, 4 साल, 5 साल जॉब कर लेता है, तो जॉब करने के बाद अगर गवर्नमेंट मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जब प्राइवेट सेक्टर में आता है तो सबसे पहले यही समझता है कि भाई मेरे 5-6 साल हो गए नौकरी करते करते, बहुत प्रेशर है, बहुत परेशानी है, अब कुछ ना कुछ ऐसा काम है कि छोटा मोटा अपना ही काम कर लें। तो जब आप ऐसा सोचते हो तभी आप आगे के रास्ते पे बढ़ते हो और आगे एक नई चीज को हासिल करते हो, और वो आप अपने लिए करते। कहते हैं बिजनेस एक पेड़ की तरह होता है। अगर आपके दादा पूर्वज हैं, अगर उन्होंने, मैं कहता हूँ जितने लोग आप भी लोग होंगे, जितने लोग घर में अगर आम का पेड़ लगा गए होंगे तो वही आम खा रहे होंगे, और जिसके पास नहीं होंगे तो खरीद के खा रहे होंगे लेकिन अपना नहीं खा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब है तभी तो खाओगे। इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग भी आगे जनरेशन के लिए ये जो काम सीख रहे हैं, काम सीखने बाद जब खड़े होंगे तो अपने लिए करेंगे और अपने आगे वाली जनरेशन के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये थर्ड एनिवर्सरी है, ये तीसरा एनिवर्सरी है, और मैं इस लाइन में 17-18 साल हो गया, मैं टीचिंग कराते कराते, ट्रेनिंग कराते कराते, आज ये हमारा अपना सेल्फ अपना प्लेटफॉर्म है, और हमारा हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक ही विशेष है कि आप लोग अच्छे से आए, अच्छी तरीके से सीख करके जाए और कामयाब बने। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट का साथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो सफल ना हो जाए, जब तक वो अच्छी तरीके से सफल ना हो जाए, वो कामयाब ना हो जाए, वो अच्छी तरीके से काम ना कर पाए। हमेशा हर स्टूडेंट के लिए मेरा सपोर्ट रहता है। और जो आप लोग जो ट्रेनिंग के लिए आए हो, तो मेरी तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या आज के वीडियो के माध्यम से मैं और कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे पास सीखने के लिए आएंगे तो 100% तरीके से वो सीख करके ही जाएंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको लाइफ में काम कैसे करना, इस सेक्टर में आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, ताकि मैंने जो अपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हासिल किया है वो आपको मिल सके और आप लोग सीख करके आगे बढ़ सके। तो सब लोग साथ में आ जाओ, आइए। चलो।
दिल है। सही कह रहे हो, सर्जिकल ब्लेड से तो अच्छी चीजें कर जाएंगे, नहीं तो अपना सीपी वाला कटिंग ब्लेड है वो काम आएगा। पूरा प्लेट दे दो, हमें सब प्लेट लाओ, सबको सर्व कर दो।